अच्छी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, हाँ डबल पार्ट आना चाहिए इसका। कैसी लगी पिक्चर? मस्त, सुपर बढ़िया, बहुत एक्शन फाइट जबरदस्त। हनुमान कैसे लगा था आपको? बहुत एक नंबर, लास्ट लग रहा दूसरा पार्ट आने वाला है। मैम कैसी लगी मूवी हनुमान? अच्छा लगा। हनुमान कैसे लगे आपको देखने में? बहुत अच्छा लगा, मजा आया पूरा। अच्छा पिक्चर है, क्या बहुत बहुत अच्छा पिक्चर लगा, बढ़िया। मैं बहुत दिनों के बाद हनुमान को मारा मारी देखी, केजीएफ देखी, स्लेयर देखी और ये एनिमल देखा। ये बहुत पिक्चर अच्छी, ये पारिवारिक पिक्चर है, देख सकते कोई भी फैमिली बच्चे लोग। और हीरो भी अच्छा है, विलन भी अच्छा है, हीरोइन भी अच्छी है, पूरे ऑल स्टाफ का पूरा सबका काम अच्छा है। और लास्ट का सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, जो बदन भी पूरा थी, कहानी भी अच्छी है, गांव की अच्छी पिक्चर, फर्स्ट टाइम ऐसी अच्छी पिक्चर है, मजा आया। पूछे देखना, 100% देखना मांगते हैं, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे पब्लिसिटी होनी मांगती है, तो अभी लोग देखेंगे। 5-5 मूवी बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी लगी मूवी, बढ़िया सर, एकदम न्यू एक्टर, एकदम मजा आ गया सर, एकदम मजा आ गया। वो बंदर का रोल तो एकदम मजा आ गया सर। जय श्री राम। गाँव भी सब सर एकदम अच्छा लगा, एकदम पिक्चर सबसे बेहतरीन निकली है, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। उन लोगों ने हर एक चीज़ों का एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, एक एक चीज़ों को बारकाई तरीके से दिखाया। धार्मिक चीज़ों के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आप निराश नहीं होगे। अगर आप जो जिंदी इरा चल रहा है, जिंदी इरा के हिसाब से देखोगे, मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि सुपर हीरो टाइप कॉन्सेप्ट वैसे लार्जर देन लाइफ रहना चाहिए, वो भी कहीं कमी नहीं पड़ा है। फिर आदमी एंटरटेनमेंट का अगर फैक्टर पूछे तो एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी कहीं कमी नहीं पड़ा है। सबको एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसका बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक इतना बेखूबी था, मतलब मेरे को बाहुबली की याद दिला दी, मतलब जहाँ पे MM किरावानी ने क्या बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया था, वो सब म्यूज़िक स्कोर मेरे को यहाँ पे याद दिला रहा था। इसका प्रेजेंटेशन, इसका विजुअल्स, ग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। कहानी देखा, एक अंजनद्री करके नाम के जगह की यहाँ पे है, जहाँ पे एक पावरलेस लड़का पावरफुल हो जाता है जब उसमें यू नो सुपर नेचुरल ताकत आ जाती है। तो इस सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट में हम हमेशा देखते हैं कि कोई एक यू नो अविनाशी जीव या फिर कोई दुनिया का विनाश करने वाला आ जाता है और दुनिया की यू नो बुराई के बारे में हमेशा सोचता है और उसी के ऊपर सुपर हीरो आता है और पूरे विनाश का खात्मा कर देता है और यू नो सफलता मतलब अच्छाई की जीत होती है। हमेशा हमने सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट में देखा, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर सुपर नेचुरल चीज़ कैसे एक पावरलेस आदमी के अंदर आ जाती है। मतलब इसमें पावरलेस तेजा थज्जा का रोल दिखाया है कि एक तो वो चोरी करता है, दूसरा चीज़ वो गुलेर का उसका काम दिखाया है यहाँ पे। तो ये जब पावरलेस आदमी के अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, वो कितना पावरफुल हो जाता है, ये पिक्चर से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। धार्मिक चीज़ों के ऊपर इतने इस फिल्म ने इतने अच्छे से काम किया है कि लोगों को ज़रा से भी डिसअपॉइंटमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। फिल्म का बजट इतना कम बताया जा रहा है, बट इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है, काबिले तारीफ है। हैट्स ऑफ टू प्रशांत वर्मा इतनी अच्छी ज़बरदस्त राइटिंग करने के लिए। सिनेमेटोग्राफी इसकी ज़बरदस्त है, DOP ने ज़बरदस्त काम किया है। तेजा सज्जा का यू नो उम्दा काम है, जिनको हमने इंदिरा फिल्म में देखा था चिरंजीवी सर के साथ, तो क्या ही बाबा, उन्होंने तो दिलेर फिल्म बनाई थी जहाँ पे भगवान यू नो शंकर भगवान का वगैरह सब दिखाया था। यहाँ पे हनुमान जी का बताया, इसके पहले कार्तिकेय फिल्म आई थी, वहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताया गया था। तो ये मतलब जो अपने अंश है वो अंश बताए जा रहे हैं। इसका अगर तारीफ करूँ तो जो इंटरमिशन वाला ब्लॉक है ज़बरदस्त है। क्लाइमैक्स का कम से कम 20 से 25 मिनट आप कहीं उठोगे ही नहीं, इतना ज़बरदस्त तरीके से जब वो हनुमान जी की एंट्री होती है, ओ हो, गूज़बम्प्स के ऊपर गूज़बम्प्स आने चालू हो जाए। यही कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार ज़रूर देखिए हनुमान को और कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिलेगा। अपने मिट्टी का सुपर अपन बोलते हैं ना सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन वगैरह, एंटमैन, जितने भी मैन वगैरह देखे हैं, आज हनुमान को देख लो। मुझे उम्मीद है कि आपको निराशा ज़रा सी भी नहीं होगी। और जाते जाते मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार देना चाहूँगा आप टॉप 5 में।